माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। ये सबसे पहला आहार है जो कि कोई भी माँ अपने शिशु को देती है। ये एंटीबॉडीज से भरपूर होता है और ये पहला टीकाकरण भी हम इसको कह सकते हैं। जैसे डिलीवरी होती है वैसे ही बच्चे को बिना साफ करे माँ के स्तन से लगा दिया जाता है ताकि माँ और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग है वो डेवलप हो जाए उसी टाइम से। दूसरी चीज़ ये है कि वो ब्लीडिंग भी जल्दी कंट्रोल कर देती है। इससे जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो एक हार्मोन होता है सिंटोसिनॉन, वो ऑटोमेटिकली सिक्रीट होता है जिससे कि ब्लीडिंग भी कम हो जाती है, प्लेसेंटा भी आउट हो जाता है। तो ये माँ और बच्चे दोनों को फायदा करता है। दूसरी चीज़ आप देखते हैं कि हर जानवर का या हर इंसान का दूध उसके बच्चे के लिए बना होता है। जैसे कुछ लोग पैदा होते ही कहते हैं कि माँ का दूध नहीं होगा तो गाय का दूध पिला देते हैं, तो इसमें ऐसा होता है कि जो कि प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उसमें वो गाय के दूध में हैवी होती हैं, वो उसके बच्चे के लिए ठीक होती हैं, जो कि जबकि यहाँ जो माँ के दूध की प्रोटीन्स होती हैं वो हल्की होती हैं और सुपाच्य होती हैं, जिसकी वजह से कि बच्चा उस ले लेता है और उसको वो आसानी से हजम भी कर लेता है। और जितनी जल्दी माँ के स्तन से बच्चे को लगाया जाएगा उतनी जल्दी माँ का दूध उतरता है। इससे बच्चे का विकास भी संपूर्ण होता है। उसमें जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके अनुसार उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है मिल्क का वो चेंज होता जाता है। तो पहले जैसे अगर कहते बताते हैं कि पहली बार जब माँ को दूध पिलाया जाए तो एक स्तन से कम 15 से 20 मिनट पिलाना चाहिए उसको, क्योंकि पहले उसमें पानी आता है, फिर उसमें फैट एंड प्रोटीन्स होती हैं जो कि उसके विकास के लिए जरूरी होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद तब दूसरे स्तन से पिलाएं। ऐसा नहीं कि एक बार को एक पिलाए 5 मिनट दूसरी बार दूसरी, तो इससे बच्चे को खाली पानी मिलेगा, उसका विकास भी संपूर्ण नहीं होगा। तो इसके विकास के लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से बराबर 15-15 मिनट तक पिलाया जाए। इससे जो होता है माँ और बच्चे का स्नेहिल संबंध भी डेवलप होता है और उसको प्यार से दुलाती है, जितना प्यार करेगी अफेक्शन करेगी उतना ज़्यादा अटैचमेंट होता जाता है बच्चे से। और ये इससे जो है बीमारियां भी कम होती हैं, जैसे अभी बताया था डॉक्टर साहब ने श्वास की बीमारियां होती हैं। अगर माँ के दूध पे बच्चा पलता है तो उसको निमोनिया और जैसे इन्फेक्शंस कई हैं ये सब नहीं होते हैं। और दूसरी चीज इसमें ब्रेन का विकास बहुत अच्छा होता है, दिमाग का 5 साल तक अगर बच्चा माँ जब तक बच्चा दूध पीना चाहे अपनी माँ का 2 साल 3 साल तब तक पिलाना चाहिए उसको। इससे जो है कि उसके विकास अच्छा होता है। मैडम अभी आपने बताया कि 15 मिनट तक 15 से 20 मिनट एक तरफ थे, एक तरफ तो ये शुरुआती दौर के लिए है या जब भी माँ पिलाए? जब भी माँ पिलाए। और अक्सर ये देखते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो शुरू में जो दूध आता है जिसको कि हम कोलेस्ट्रम कहते हैं एकदम पानी की तरह होता है पीला पीला, कई लोग उसको नहीं पिलाते हैं, तो उसको ज़रूर देना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो माँ को वो बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई का इसमें फॉर्मूला है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी जितना बच्चा छाती से दूध खींचेगा उतना दूध होगा। अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा या माँ ऊपर का दूध बीच में दे देगी, अगर जहाँ ऊपर का दूध आया बीच में तो माँ का दूध टूट जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को हमेशा अपनी छाती से ही माँ दूध पिलाए और अपने पोषण पे ध्यान दे, कम से कम दिन में 4-5 बार खाए और 3 रंग के जिसको कहते हैं ना तिरंगा खाना देना चाहिए उनको, जैसे अनाज है गेहूं है चावल है फिर हरी सब्जियां हैं फल है, तो इस तरह से तिरंगा खाना उनको जरूर देना चाहिए। और साथ में प्रोटीन अगर मांसाहारी है तो अंडा ले सकती हैं, ऊपर से अपने दूध ले सकती हैं, जिससे कि उनका जो है पोषण सही रहेगा और बच्चे को बराबर दूध मिलता रहेगा।